मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं यूटोपिया कम्युनिटी के अंडर मौजूद शहर में वायलेंस और क्राइम की मात्रा पूरी तरह से कम हो चुकी थी और सभी अपने अपने जीवन में शांति से जी रहे थे। और ऐसी शांति का जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को मेंबर्स कहा जाता था। अब हम साइलस नामक लड़के को देखते हैं जो एक आम आदमी है। साइलस नींद से उठने के बाद काफी उदास था और फिर वो अपने रूटीन अनुसार काम करने लगता है। साथ ही उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे जो कि उसकी यूनिफॉर्म थी। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट करके साइलस बाहर निकलता है। शहर के सभी लोग अपने अपने यूनिफॉर्म यानी कि सफेद कपड़ों में थे। इस दौरान कोई भी एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहा था और फिर वो सब अपने अपने काम पर जा रहे होते हैं। इस दौरान कलेक्टिव यानी गवर्नमेंट के आदमी मेंबर्स को कुछ वीडियोस दिखाते हैं जिसके माध्यम से मेंबर्स को आम इंसानों से उल्टा बिहेव करना पड़ता है, यानी इन सभी को आम इंसानों के इमोशंस के विरुद्ध जीने के लिए कहा गया है। और जो भी आम इंसानों की तरह हंसता और चहका करता था उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था, वो भी कलेक्टिव द्वारा। सभी मेंबर्स आम लोगों से इतने ज्यादा बदले हुए थे कि वो सभी खुद पर और खुद के इमोशंस को खुद पर हावी होने नहीं देते थे। अब सभी लोग अपने असल कामों के लिए निकलते हैं। इस दौरान साइलस एक लड़की से टकरा जाता है। अब जैसे ही साइलस ट्रेन में बैठकर मेंबर्स के काम अनुसार न्यूज देख रहा था, अचानक से उसकी स्क्रीन पर कुछ मैसेजेस वार्निंग की तरह आने लगते हैं, लेकिन साइलस को इस बारे में खबर नहीं थी, इसलिए वो उन नोटिफिकेशंस को हटाकर न्यूज देखने लगता है। साइलस एटमस कंपनी के लिए काम करता था और एटमस के लोगों को लग रहा था कि साइलस को SOS यानी स्विच्ड ऑन सिंड्रोम की बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से उसकी इमोशंस उसे ट्रिगर कर रही है और उस बीमारी का शिकार होकर वो बदलने लगा है। साथ ही साइलस की जिंदगी में जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है। अब एटमस पहुंचकर वो अपने प्रोफेशनल काम यानी डिजिटल आर्ट में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ निया नामक आर्टिकल राइटर प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव करने के लिए अपने लोगों को सजेस्ट कर रही होती है। कुछ देर बाद मेंबर्स लंच कर रहे होते हैं, लेकिन इन सभी को हमेशा अकेले ही लंच करने के लिए दिया जाता था। ये सभी अपने जीवन में किसी दूसरे इंसान को छू तक नहीं सकते थे। बाकी इनके अंदर फिजिकल डिजायर की भावनाओं का होना, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब घर जाते वक्त साइलस एक कपल को देखता है जो अजीब बर्ताव कर रहे थे और उन्हें कलेक्टिव के लोग अपने साथ ले जा रहे थे। घर पहुंचते ही अपने रूटीन अनुसार वो खाना खाकर साइलस सो जाता है और अगली सुबह दोबारा से वो काम पर निकलता है। आज वो एक कपल की न्यूज देख रहा होता है। ये वो कपल है जिन्हें DEN यानी डिफेक्टिव इमोशनल न्यूरोपैथी फैसिलिटी में भेजा जाएगा, जो कि ये कपल इन्फेक्टेड होकर मेंबर्स की तरह बिल्कुल भी बर्ताव नहीं कर रहे थे। इस दौरान कलेक्टिव सभी मेंबर्स को सुरक्षित रहने के लिए आगाह कर रहे थे, साथ ही उन मेंबर्स पर नजर रखने के लिए कह रहे थे जो SOS बीमारी के शिकार बन रहे हैं। कुछ देर बाद साइलस काम कर रहा होता है। इस बीच एक आदमी अपने इमोशंस के चलते खुदकुशी कर लेता है, लेकिन मेंबर्स उसकी हालत देखने के बाद भी किसी तरह का इमोशन जाहिर नहीं कर पाते हैं, जो कि इतने सालों में कलेक्टिव के नियम अनुसार रहते रहते सभी बदल चुके थे। लेकिन उस मेंबर की मौत से निया को फर्क पड़ रहा था और उसके चेहरे पर ये बात साफ साफ झलक रही थी, जो कि साइलस नोटिस करता है। कुछ देर बाद एटमस की एक मीटिंग के दौरान साइलस का पूरा ध्यान निया पर था और वो यही सोच रहा था कि कहीं निया के अंदर इमोशंस तो नहीं आने लगे हैं। धीरे धीरे साइलस काफी कुछ फील करने लगा था। साइलस बार बार निया और उसके इमोशंस को लेकर सोच रहा था। कुछ मीटिंग्स के दौरान उसका ध्यान कहीं और था और इस वजह से उसे काफी दिक्कत भी हो रही थी, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसे सिचुएशन से उसे कैसे डील करना चाहिए, जो कि उसके साथ ये पहली बार हो रहा था। अब रात के समय साइलस एक भयानक सपना देखता है। सपने में वो बिल्डिंग से गिरकर मारा जाता है। अब सोकर उठते ही साइलस देखता है कि उसके माथे पर चोट आई हुई है, तो वो चेकअप कराने के लिए हेल्थ केयर में पहुंचता है। यहाँ उसकी मुलाकात ऐसे कुछ लोगों से होती है जो SOS बीमारी के शिकार थे। इस दौरान हमें पता चलता है कि SOS बीमारी के 4 स्टेजेस होते हैं। इनमें से चौथा स्टेज सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जहाँ से इंसान पूरी तरह से बदल जाता है और अपने अंदर की काफी सारी शक्तियाँ खोकर
खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। अब जैसे ही साइलेस चेकअप करने के लिए अंदर जाता है, वो कल रात के नाइटमेयर के बारे में डॉक्टर से शेयर करता है, जिसके बाद डॉक्टर उसकी चेकअप करते हैं और रिपोर्ट्स मिलने पर ये कंफर्म हो जाता है कि साइलेस भी SOS बीमारी से जूझकर आम इंसानों की तरह बदलता जा रहा है। थोड़ी देर बाद साइलेस अपनी स्टेज देखने के लिए खुद को स्कैन करता है और हम देखते हैं कि वो स्टेज 1 पर है। फिलहाल अगले सीन में साइलेस अपने काम पर पहुंचता है और वहां कुछ मेंबर्स उससे उसकी चोट के बारे में सवाल जवाब पूछकर अंदर की बात निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन निया उन सभी को साइलेस से ये सारे क्वेश्चन पूछने से मना कर देती है। निया के बर्ताव से ये साफ प्रमाण हो चुका था कि वो खुद भी SOS बीमारी से भुगत रही है और उसके इमोशंस धीरे धीरे एक्सप्रेस होने लगे हैं। कुछ देर बाद निया एक कीड़ा पकड़कर साइलेस को समझाने लगती है कि किस तरह से ये कीड़ा अपनी जिंदगी जीता है। इस बारे में सुनते सुनते साइलेस निया को ही देखता रह जाता है और वो उसके रूप रंग से प्रभावित होने लगा था। अब रात के समय हेल्थ सेंटर से मेडिसिन और इंस्ट्रक्शन में दी गई सारी चीजें इकट्ठा करके साइलेस घर पहुंचता है। इस बीच उसे कुछ वीडियोस देखने पड़ते हैं। ये देख उसे पता चलता है कि किस तरह से उसके इमोशंस की वजह से वो SOS का शिकार बन गया है। सिर्फ हेल्थ सेंटर द्वारा दी गई पिल से ही वो ठीक हो सकता है और वो नियमानुसार सब कुछ ठीक तरह से करने लगता है, लेकिन उस पिल के लेने के बाद से उसका ध्यान हर चीजों से घटने लगा था। वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड और आलस महसूस कर रहा था, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके साथ साथ उसे धीरे धीरे कम दिखने लगता है। समय के साथ साथ उसका काम से ध्यान भी हटने लगा था, जिस वजह से चीजें कुछ ज्यादा हद तक बिगड़ती चली गई और अब फाइनली वो SOS बीमारी के चौथे स्टेज पर पहुंच चुका है। और हम सभी जानते हैं कि इस स्टेज में इंसान मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होते ही हम निया को साइलेस के साथ एक बाथरूम में देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। बातें खत्म होते ही साइलेस निया का पीछा करने लगता है, वो भी उसके क्वार्टर्स तक, लेकिन अंत तक वो उससे बात तक नहीं कर सका। साथ ही अब जो कि साइलेस जानता था कि वो आखिरी स्टेज में है और वो हो सकता है खुदकुशी करके मारा जाएगा, इस वजह से वो हेल्थ सेंटर से दी गई पिल्स लेना बंद कर देता है। निया से मिलने के बाद से साइलेस ये बात रियलाइज करने लगा था कि निया उसके लिए कुछ तो जरूर है जो वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन हम सब तो समझ चुके हैं कि पहला क्रश होने के नाते वो निया के लिए काफी कुछ फील करता होगा जिसके बारे में उसे खुद पता नहीं है। अगले दिन साइलेस अपने कोवर्कर के साथ अपना काम अदला बदली करके निया से मिलता है और उसे वो अपना काम चेक करने के लिए कहता है, जिससे कि वो निया के साथ कुछ पल बिता सके। निया काम को लेकर अपना मत देती है। वही निया को देखकर और उसकी बातें सुनकर साइलेस को बड़ा अच्छा लगता है। रात के समय साइलेस छिपके से ऑफिस में घुसकर निया के वॉइस नोट सुनता है और वो इससे बेहद रिलीफ महसूस करने लगता है। अगली सुबह मीटिंग के दौरान साइलेस का अजीब बर्ताव देख सभी को साइलेस पर शक हो जाता है और उसे फाइनली सभी को अपनी बीमारी के बारे में बताना पड़ता है। ये जानने के बाद साइलेस को फौरन मेंबर्स के लोगों से वंचित करके दूर बिठाया जाता है, जिससे कि उसकी बीमारी किसी और तक ना फैले। सभी से दूर रहकर साइलेस को बेहद बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन इस बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा, जो कि किसी में भी इमोशंस नहीं थे और इमोशंस की जगह ना तो इस शहर में है और ना तो यहाँ के लोगों में। ऑफिस का काम खत्म करके साइलेस निया का पीछा करने लगता है और एकदम से निया साइलेस के पीछे आ खड़ी होती है और अब वो साइलेस को अपनी हरकतों को सुधारने के लिए कहती है, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो हो सकता है निया कलेक्टिव को साइलेस के बर्ताव के बारे में बता दे। ये सुनते ही साइलेस निया से कहता है, तुम इस बारे में कभी भी किसी को नहीं बताओगी, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि तुम्हें अगर ये बात किसी को बताना ही होता तो तुम पहले सभी को बता चुकी होती, और हाँ तुम खुद भी SOS बीमारी का शिकार हो चुकी हो। इस बात का सबूत देने की जरूरत मुझे शायद ही होगी, क्योंकि तुम खुद भी ये बात जानती हो। लेकिन निया साइलेस को झूठा ठहरा कर वहां से चली जाती है। अगली सुबह काम पर दोनों की मुलाकात तो होती है, लेकिन वो दोनों नॉर्मली एक दूसरे से मिलते हैं। निया काम पर साइलेस से जितना हो सकता था
उतनी ज्यादा दूरी बनाकर रखती है, लेकिन अकेले में उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके नर्वसनेस के इमोशंस बाहर आने लगते हैं। आज रात के समय वो दोनों ऑफिस में अकेले थे। निया का पीछा करते करते साइलेंस बाथरूम तक पहुंच जाता है। साइलेंस निया को शांत करने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसका चेहरा छूने लगता है, जिसके बाद निया साइलेंस को महसूस करने के लिए उसके गले लग जाती है और वो दोनों रिलैक्स हो पाते हैं। साइलेंस की बाहों में रहकर निया उसे बताती है लगभग एक साल से वो SOS बीमारी से भुगत रही है। इस बीमारी के होने के बाद से वो बेहद घबराई हुई थी, लेकिन इस दुनिया में रहने के लिए उसने अपने मेंटल स्टेट को बहुत ही उम्दा तरीके से कंट्रोल कर रखा है, जिससे कि वो जी सके। वो बताती है कि ज्यादा समय तक वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और हो सकता है उसे DEN फैसिलिटी में भेजा जाए और वहां जाने के बाद वो दोनों कभी एक नहीं हो सकेंगे। साइलेंस ये सुनते ही निया को किस कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताकर खुश थे। अगली सुबह निया के चेहरे पर उसकी खुशी की निखारता झलक उठती है। साइलेंस से मिलने के लिए वो बेचैन थी। अब रात के समय वो दोनों दोबारा से ऑफिस में अकेले थे। दोनों बाथरूम में छिपकर एक दूसरे के संग प्यार भरा मोमेंट शेयर करते हैं, जो उन दोनों ने पहले कभी नहीं करा था। इस नए एहसास और प्यार के नए ढंग को महसूस करके दोनों बहुत से भी ज्यादा खुश थे। इस दिन से ये दोनों एक दूसरे के साथ इसी बाथरूम में मिलने लगते हैं और हर वो फीलिंग्स महसूस करते हैं जो प्यार के दौरान किया जाता है। प्यार जैसा इमोशन के बारे में जानने के बाद दोनों हद से ज्यादा खुश रहने लगे थे। कुछ देर बाद एटमस का मैनेजर साइलेंस से पूछने लगता है कि क्या तुम SOS बीमारी की वजह से खुदकुशी करना चाहते हो। साइलेंस जवाब में ना बोलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन मैनेजर साइलेंस को रोककर उसे निया से दूर रहने के लिए कहते हैं, जो कि काफी दिनों से साइलेंस के बर्ताव में बदलाव देखकर उन्हें साइलेंस पर शक था। वहीं अगले दिन से सभी से बचने के लिए निया साइलेंस से दूर रहने लगती है, लेकिन साइलेंस को उन दोनों की दूरी एक मिनट के लिए भी नहीं भा रही थी और इसी वजह से साइलेंस एटमस छोड़कर कहीं और काम करना चाहता था, जिससे कि वो निया से ठीक तरह से मिल सके। वहीं रात के समय SOS की वजह से निया को नर्वस ब्रेकडाउन होने लगता है और वो पूरी रात दर्द में थी। अगली सुबह साइलेंस काम से रिजाइन करके गार्डनिंग का काम शुरू करता है और उसकी जगह डोमिनिक नामक आदमी को दी जाती है। एक तरफ निया साइलेंस से दूर नहीं रह पा रही थी और हर एक चीजों को देखते ही उसे साइलेंस की याद आ रही थी। रात के समय निया साइलेंस के बारे में सोचकर उसे महसूस करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ निया के बारे में सोचकर साइलेंस का भी बुरा हाल था, इसलिए साइलेंस जोनस नामक आदमी से मिलता है। जोनस साइलेंस का दोस्त था। साइलेंस जोनस को निया और अपने प्यार के बारे में सब कुछ खुलकर बताता है। जोनस साइलेंस की बातों को समझ पाता है, जो कि एक समय था जब उसने खुद भी प्यार करा था। बातों बातों में जोनस कहता है निया हाइडर्स ग्रुप की मेंबर है। हाइडर ग्रुप में SOS के पेशेंट्स को बिना ड्रग दिए ही ठीक किया जाता है। अगली सुबह हम निया को देखते हैं। साइलेंस की वजह से उसकी रातों की नींद चैन सब कुछ उड़ चुकी थी। जोनस पूरी जानकारी देने के लिए साइलेंस को एक मीटिंग में ले जाता है, साथ ही वो कुछ लोगों के साथ उसकी परिचय भी कराता है, जिससे कि साइलेंस को DEN के बारे में पता चल सके। इनमें से बेस्ट नामक आदमी बताता है कि DEN फैसिलिटी में इमोशनल सप्रेसिंग ट्रीटमेंट जैसे कई ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जिससे कि इंसान अपने इमोशंस पर काबू रख सके और जो नहीं रख पाते हैं उन्हें मौत की चाहत होती है। साथ ही निया और बेस्ट जैसे लोग बाकियों की मदद करके उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद साइलेंस निया से मिलता है और वो निया के साथ कुछ समय बिताकर उसे पूरी तरह से रिलैक्स करता है। पूरी रात साइलेंस निया के साथ ही ठहरा था और अगली सुबह होते ही वो दोनों डिसाइड करते हैं कि सबके सामने वनजान बनकर ही जिएंगे, लेकिन अकेले में वो एक दूसरे के सब कुछ बनकर रहेंगे। इस दिन के बाद से वो दोनों बड़े ही रोमांटिक और प्यारे कपल की तरह जीने लगते हैं। साइलेंस SOS की दवाइयां और मेडिटेशन करना बंद कर देता है, क्योंकि अब निया का प्यार ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दवाई थी। अब जो कि निया की जिंदगी में सब कुछ ठीक था, वो काम के दौरान अपना बेस्ट दे पा रही थी। इसके अलावा साइलेंस चाहता था कि वो दोनों कपल होने के बावजूद भी सबसे ऐसे छिपकर ना रहे, लेकिन सबसे बचने के लिए निया उसे इसका उल्टा करने के लिए कहती है। वहीं फाइनली
SOS बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कलेक्टिव को इसका इलाज मिल चुका था। इस ट्रीटमेंट से सभी SOS पेशेंट्स की मेमोरी इरेज कर दी जाएगी, जिसके बाद वो सब कुछ भूल कर दोबारा से अपनी जिंदगी को शुरू करेंगे, वो भी कलेक्टिव के अनुसार। इस खबर के बारे में सुनने के बाद सिनिया और साहिल एक दूसरे से दूर होने के गम में डूबे हुए थे। इसी कारण वश ये दोनों ट्रीटमेंट भी नहीं कराना चाहते थे। साइलिस का कहना था कि इन सब चीजों से बचने के लिए हमें शहर से बाहर जाना होगा। बेस उन्हें शहर से बाहर जाने से मना कर देता है, जो कि पिछले बार कुछ लोग यहाँ से बाहर गए थे लेकिन अंत में वो मारे गए। बेस की बात पर गौर ना करके साइलिस जोनस से मदद मांगता है और वो दोनों अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयार थे। इनका प्यार इनकी सबसे बड़ी औजार थी, इसलिए चाहे जो भी हो जाए जैसे तैसे करके ये दोनों यहाँ से बाहर निकल कर ही रहेंगे। अगली सुबह जोनस छिप कर साइलिस को उसकी टिकट्स के डिटेल के बारे में बताता है। वहीं भागने से पहले अब भी इन दोनों के पास 3 दिन का समय बचा था। ये दोनों बेहद घबराए हुए थे। अगले सीन में निया जैसे ही काम से बाहर निकल रही होती है, ठीक तभी गेट का अलार्म बजने लगता है और निया को डायग्नोस करने के लिए रोका जाता है। जैसे तैसे वो ये बात साइलिस को बताती है। कुछ देर बाद चेकअप करके डॉक्टर निया को इन्फॉर्म करते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही निया के दिमाग में हजारों सवाल पैदा होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइलिस निया का वेट कर रहा होता है। निया को ढूंढने के लिए साइलिस हेल्थ सेंटर में पहुंचता है और वो देखता है कि निया को DEN फैसिलिटी में ले जाया जा रहा है और फिर उसे निया के बारे में सब कुछ पता चलता है। निया को DEN फैसिलिटी में बेस्ट देखता है। साथ ही निया के कमरे में वैक्सीन मौजूद थी, जिसे देने के बाद निया सब कुछ भूल जाएगी। जब से निया की प्रेगनेंसी के बारे में डॉक्टर्स को पता चला था, वो सभी समझ चुके थे कि निया SOS बीमारी की शिकार काफी पहले से थी और उसे वैक्सीन देना सबसे ज्यादा जरूरी था। इधर साइलिस जोनस को निया के बारे में बताकर फौरन उसे वहां से निकालने के लिए कहता है। जोनस उसे रिलैक्स होने के लिए कहकर अपनी यूनिट में भेज देता है। वही रात से सुबह हो चुकी थी। साइलिस अब निया को ढूंढने के लिए अपने पुराने सफेद यूनिफॉर्म में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ निया को बचाने के लिए बेस निया को छोड़ा कर जोनस के पास भेजते हैं। वो दोनों मिलकर जैसे तैसे करके निया की जगह किसी मरी हुई लड़की को बंद कर देते हैं और निया की आइडेंटिटी बदलने के लिए वो दोनों निया के हाथों पर एक टूल लगा देते हैं। इन दोनों का शुक्रिया अदा करके निया फैसिलिटी से निकल जाती है। निया तो भाग जाती है लेकिन जोनस और बेस पकड़े जाते हैं। उधर निया साइलिस को ढूंढते ढूंढते उसकी यूनिट में पहुंचती है लेकिन साइलिस यूनिट में था ही नहीं। वही DEN फैसिलिटी में पहुँच कर साइलिस को बताया जाता है कि निया मर चुकी है। यह बात जानने के बाद साइलिस का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। एक तरफ साइलिस निया को खोने के दर्द से रो रहा था, वहीं दूसरी तरफ साइलिस को ढूंढ ढूंढ कर निया पागल हो रही थी। निया को खोने के बाद साइलिस खुदकुशी करने का फैसला करता है लेकिन अंत में वो अपने कदम पीछे हटाकर अपने यूनिट में पहुंचता है और फाइनली वहां वो निया से मिलता है। खुशी से दोनों झूम उठते हैं लेकिन ये खुशी चंद घंटों की ही थी, क्योंकि SOS बीमारी की वजह से साइलिस को वैक्सीन लग चुकी थी, जो कि निया के मौत के बारे में सुनने के बाद साइलिस का खुद पर काबू नहीं था, इसलिए उसने वैक्सीन लगा लिया। ये बात जानकर निया बेहद हैरान रह जाती है क्योंकि दोनों यहाँ से भागकर एक नई शुरुआत करने वाले थे। सुबह होते ही साइलिस पहले की तरह बन जाता है। निया साइलिस से पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। साइलिस भले ही सारी यादें भूल चुका था लेकिन उसे ये बात अच्छी तरीके से याद थी कि निया उसका प्यार है, लेकिन इसे महसूस करना उसके लिए फिलहाल पॉसिबल नहीं था। अब जैसे ही निया साइलिस को अपने साथ भागने के लिए कहती है, साइलिस मान जाता है लेकिन उसके बदलाव की वजह से निया बेहद दुखी थी। वो कभी भी खुद को साइलिस से दूर नहीं रखना चाहती थी लेकिन आज साइलिस के पास होते हुए भी साइलिस उससे बेहद दूर था। अब ट्रेन में बैठकर निया अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचकर साइलिस को देखे जा रही थी। वहीं एकदम से साइलिस उसके पास आकर बैठता है और फिर वो धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ लेता है। साइलिस जानता था कि वो निया से प्यार करता है लेकिन वैक्सीन लेने के बाद उस फीलिंग को महसूस करने के लिए उस निया के साथ की जरूरत है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो साइलिस जल्द ही ठीक हो जाएगा। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन इक्वल्स। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।
और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।